हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेनीज लेक्चर्स हिंदी। सो ये इस चैनल की पहली वीडियो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं अपनी सो ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं है, जनरल वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ 3 टॉपिक्स कवर करूंगी। पहली बात कि मैंने क्यों हिंदी चैनल स्टार्ट किया, दूसरी बात है कि चैनल ओवरव्यू, किस चीज़ पे किस बारे में वीडियोज आएंगी इस चैनल पे, द टॉपिक्स, तीसरी द थर्ड थिंग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस द थर्ड थिंग। सो शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों मैंने हिंदी चैनल स्टार्ट किया। इंग्लिश में चैनल है अपना एक, अगर आपको नहीं पता बता देती हूँ, जेनीज लेक्चर CSIT। उसमें मैं कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेक्चर्स उसमें मैं इंग्लिश में डालती हूँ। तो उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम हिंदी में प्लीज़ हिंदी में चैनल स्टार्ट करो, हिंदी में पढ़ाओ। सो मैंने सोचा चलो गिव इट अ ट्राई, हिंदी में चैनल स्टार्ट करते हैं। ओह यार ये कितनी ऑसम है यार। बट अभी के लिए ऐसा नहीं है कि वो वाली सेम वीडियोज हिंदी में आएंगी, इसमें कुछ अलग टॉपिक्स आएंगे। बट मुझे लगा कि एक चलो स्टार्ट करके देखते हैं कितनी हिंदी वाली फ़ैन फॉलोइंग है, कितनी ऑडियंस आती है, उस हिसाब से इस चैनल को भी ग्रो करेंगे फिर। ठीक है, तो ये आपके सपोर्ट और आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी वाले चैनल को कितना सपोर्ट करते हो और कितना प्यार देते हो। कंट्रोल उदय। सेकेंड बात कि हाँ मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरी यू कैन से मेरी लैंग्वेज हिंदी है। तो एक होता है ना, हिंदी में दूसरे को बात समझाने में फील आती है, अच्छे से आप अपनी बात समझा पाते हो। सो मैंने सोचा चलो हिंदी में भी स्टार्ट करते हैं। ये दो मेन रीज़न है। सेकंड क्वेश्चन इज चैनल ओवरव्यू क्या होने वाला है। सो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, जो इंग्लिश में वीडियोस आएंगी सब्जेक्ट्स की वो सेम हिंदी में नहीं आएंगी। जैसे पाइथन कोर्स चल रहा है इंग्लिश में तो सेम वीडियो हिंदी में नहीं आएगी, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी ऑडियंस मेरी बहुत कम है। सो सेम वीडियोज अगर मैं हिंदी में भी शूट करूँ और डालूंगी, सो आई थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। बट हाँ, ऐसा है कि अगर आज चैनल जैसे स्टार्ट किया, सो विद इन 7 days, मतलब नेक्स्ट 6 to 7 days के अंदर अंदर अगर 1 lakh से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हिंदी चैनल पे, कुछ भी, और सबकी डिमांड है, कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हिंदी में सेम भी पढ़ाओ, सब्जेक्ट्स वाली वीडियो हिंदी में भी डालो, सो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के सेम वीडियोज़ हिंदी में भी अपलोड कर सकती हूँ। सो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कितना आप सपोर्ट करते हो हिंदी चैनल को, सो उस हिसाब से ही वो वाली वीडियोस डालेंगे। बट फिलहाल के लिए इसमें किस टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में आएंगी, सो बेसिकली करियर गाइडेंस, ठीक है, एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो आएंगी कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं और ऐसे भी लाइक 10th के बाद क्या चूज़ करें, 12th के बाद क्या चूज़ करें, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में जाएं, बीटेक कर लिया किस फील्ड में जाएं, किसका स्कोप ज़्यादा है, सो उससे रिलेटेड वीडियोज़, प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोज़। दूसरा होता है कि मॉरल वैल्यूज़, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना करियर और ये वाली वीडियो ज़रूरी है ना जो आप पढ़ाई कर रहे हो अपने कोर्सेज, उतना ही ज़्यादा सेम होता है कि मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। सो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, हाउ टू डेवलप सम गुड हैबिट्स, राइट, लाइफ लेसन्स एंड और अभी ये सोचा है ऐसे टॉपिक्स, पर्सनली डेवलपमेंट, राइट, हाउ टू बी सक्सेसफुल, दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। बट आप भी सजेस्ट कर सकते हो, सो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट करो कि किससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको चाहिए इस चैनल पे, हिंदी चैनल पे। प्लीज़ ये मत बोलना कि जो सब्जेक्ट वाली वीडियो है वो हिंदी में डालो, वो आप पे डिपेंड करता है कि मैंने उसकी कंडीशन आपको बता दी है। जितनी ज़्यादा हिंदी ऑडियंस होगी तब ही वो वाली वीडियोज़, यू नो, मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के अपना, मे भी दिन में टाइम नहीं मिलता, जैसे रात को शूट किया और हिंदी में भी डाली, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया चैनल का ओवरव्यू। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि किसी को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम पे भी कोई हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज़ या कोई मेम पेज या किसी को भी फॉलो कर रहे हो, या यूट्यूब पे फॉलो करते हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हो, या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है फिलहाल, आपकी लाइफ उससे बेटर नहीं हो रही है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आपके माइंड के साथ वो चीज़ें सिर्फ खेलती हैं, उनको प्लीज़ अभी अनफॉलो करो। आपको फॉलो किनको करना चाहिए, जिनसे या तो आप कुछ सीख रहे हो, आपकी लर्निंग है या आपकी अर्निंग है, कुछ आप पैसे कमा रहे हो, या फिर जो आपके इंस्पिरेशन है, ठीक है, या इससे इंस्पिरेशन लेके मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, वो भी एक अच्छे वे में, गुड वे में कि मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, उनको आप फॉलो करो। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, और यू कैन से एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट मान सकते हो कि प्लीज़ ऐसा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं हमेशा कहती हूँ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। ऐसी चीज़ें देखने में कि उसने क्या खाया, उसने क्या पहना है ना, ये ब्लॉगिंग चैनल बहुत चल रहे हैं,
उसके डोगी डोगी उसका बीमार हो गया या वो घूमने गए हुए हैं आज, क्या क्या मिलता है आपको ये सब देखने में? सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? ये है, आप जितना ज़्यादा देखते हो ये सिर्फ बेनिफिशियल उनके लिए ही है जो ये ऐसे टाइप की वीडियोस बनाते हैं। ये आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इमोशनली अटैच जल्दी से होना नहीं चाहिए किसी के साथ, ठीक है? उनमें सिर्फ उनका ही फायदा है। ओके, सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। सो नाउ विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके वेट, ओके, इस वीडियो का यू नो लाइक्स, वैसे तो मैं ऐसी चीज़ें करती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि पहली वीडियो हिंदी में चैनल स्टार्ट किया, कितना लोग पसंद करते हैं। प्लीज़ कमेंट करना, और लाइक का टारगेट रखते हैं 1000, 1000। बी प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ मैं कि 10,000 लाइक्स है, 20,000। लाइक्स कर दो पहली वीडियो पे, सो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो, आप ऐसा हिंदी में कंटेंट देखना चाहते हो। सो दैट्स इट, सो नाउ विल सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।